हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सज्जन। आज हम लोग पटना जू के पार्ट 6 में कुछ दोस्तों से बात करेंगे और जू के बारे में जो उनके विचार को सुनेंगे, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो फाइनली हम कुछ लोगों से मिल रहे हैं और उनका ओपिनियन ले रहे हैं कि जू के बारे में उन लोगों का कैसा ओपिनियन है। तो बताइए, आपको जू में क्या क्या इसका खासियत लगा? देखिए, जू वाकई घूमने लायक है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि अगर आपको नेचर को नज़दीक से देखना है, सब तरह तरह के पशु पक्षियों को बहुत ही नज़दीक से देखना है, तो आपको ज़रूर जू को विज़िट करना चाहिए। इसमें हर तरह के आपको पशु पक्षी मिलेंगे जो बकायदा आपका मन बहलाने के लिए, या फिर यूं कहें कि आपका दिल लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिहार के लोगों को जू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उन लोगों को किस तरीके से जू आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या इसके लिए? हम देखिए, हम बोलना चाहेंगे कि ज़रूर जो भी अगर यहाँ पटना में आ रहे हैं तो एक बार उन्हें जू जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, शुद्ध वातावरण है और बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ किसी तरह का असुविधा जो लग रहा है कि आपको इसमें जू प्रशासन को सुधार करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? कोई असुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। अगर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो पैदल भी घूम सकते हैं। यहाँ पे ई रिक्शा भी चलते हैं जिसे आप बुक कर सकते हैं। आप अगर पानी का सैर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। हर कुछ है यहाँ पे, आप बेशक अपने पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। तो फाइनली आपका अपना अनुभव कैसा रहा इस जू के बारे में? आप कैसे मतलब फील करते हैं आज जो आपने इसका सैर किया इसके बारे में? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और नो डाउट दोस्तों के साथ घूमने का एक अलग मज़ा होता है। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी पटना आ रहे हैं वो जू को ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों, हम लोग मिले थे रोहित सिंह से। ये रोहित सिंह थे, इनका ओपिनियन जाने। आइए हम और भी लोगों से उनका ओपिनियन जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग मिल रहे हैं शुभम कुमार से। आइए इनका भी अनुभव जानते हैं। ये भी हमको जू में मिले और दोस्त हैं मेरे, तो इनसे भी इनका अनुभव जानते हैं कि जू के बारे में इनका अनुभव कैसा रहा। तो बताइए शुभम जी, आपका अनुभव जो है इस जू के बारे में कैसा रहा? बहुत अच्छा। जू वाकई घूमने लायक है, बहुत अच्छा जगह है। अगर आपको जब भी फुर्सत मिलता है एक बार जू आइए। अच्छा, तो और जू को क्या आप बिहार के टूरिस्ट प्लेस में से अच्छा मानते हैं या फिर नॉर्मल मानते हैं, किस तरीके? अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि बिहार में घूमने लायक यही सब जगह है, तो इसको एक तरह से बिहार के लिए अच्छा ही मानते हैं। और मतलब इसका आपका अनुभव कैसा रहा कि जानवरों का क्या मतलब कैसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला? अच्छा, सभी तरह का जानवर लगभग मिल जाते हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा मिस नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा घूमने का। और जू का रख रखाव के बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब यहाँ का जो प्रशासन है इसके रख रखाव पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं? अच्छा दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। जू का रख रखाव ठीक है, घूमने का अच्छा सुविधा है। अभी फिलहाल रेल का अभी बाधित है, बोट है और ई रिक्शा चल रहा है, तो उससे भी आप घूम सकते हैं। चलिए, तो ये थे शुभम कुमार, इनसे हम इनका ओपिनियन जाने। आइए कुछ और लोगों से हम उनका ओपिनियन जानते हैं। अब हम लोग एक और देखिए, अभिमन्यु सिंह है, ये भी जू में हम लोग के साथ हैं, तो इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। तो अभिमन्यु जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जू के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है? सर, मेरा ओपिनियन बहुत अलग है। फर्स्ट तो अगर ह्यूमनिटी की तरफ से देखा जाए, मानवता की तरफ से, तो देख कर बहुत बुरा लगा कि जंगल के जानवरों को ऐसे कैद कर रखे हुए लोग हम लोग, और उनको उनकी आज़ादी नहीं दी है। अगर फिर एजुकेशन के थ्रू देखा जाए तो देखने पे ये लगता है कि ठीक है, हम लोग नेचर से कांटेक्ट में आ रहे हैं, देख रहे हैं उनको फेस टू फेस। दोनों पहलू ठीक है, क्रॉस और बून दोनों ठीक है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग से देखा जाए तो ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसमें तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे जानवर को बहुत लोग गोद ले रहे हैं, जैसे कुछ को SBI, तो किसी को कोई बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन आ रहे हैं, तो बहुत अभिनेता लोग आ रहे हैं, सबको गोद ले रहे हैं, उनके देख रखाव के लिए वो कर रहे हैं। तो इस मामले में आप इसको क्या कहना चाहेंगे, इसको किस रूप में लेना चाहेंगे? सर, गोद लेना और किसी की आज़ादी छीनना, आज़ादी ये सच है, लेकिन हम बात करें जंगल के राजा शेर को, तो उनको एक पिंजरे में कैद करके रखना वो हमको अच्छा नहीं लगा। भले हम उसको लाख सुविधा दे दें, अगर हम अपने आप पर लेकर बात करें कि हमको सब सुविधा दे दिया जाए, घर में पैक कर दिया जाए, हाँ, तो वो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल। और एक चीज़ तो और भी कहेंगे, जैसे कि वनों की कटाई दिन प्रतिदिन हमारे मतलब बता रहे हैं कि हमारे समाज में वनों की कटाई होती जा रही है, वन का अधिक मतलब किल्लत होते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में तो बाघ को बाहर में भी तो खतरा दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम उनको एक माहौल दे रहे हैं, तो इसको तो आप पॉजिटिव लेना चाहेंगे या फिर किस तरीके से लेना चाहेंगे? पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू है। फर्स्ट मेरा व्यू ये निगेटिव से ये रहेगा
कि ठीक है वन कटाई हो रहा है, ठीक है इस पर तो गवर्नमेंट को ध्यान देना ही चाहिए और वन एरिया बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर वन कट रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर को उठा के एक पिंजरे में डाल दें जिससे वो अपना आज़ादी भूल जाएं और अपना उनका जो नेचुरल हैबिटस जो हैबिटेट है वो अपना वो खो दें, जो यहाँ हम लोग देखने के लिए मिल रहा है। हर एक जानवर जो जंगल में आज़ादी से घूम सकता है रह सकता है उसको यहाँ पैक करके जस्ट लाइक टॉय रख दिए हम लोग खिलौने की तरह, बच्चे आते हैं देखते हैं शेर को पत्थर मारते हैं तो वो हमको देख के बहुत बुरा लगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग मिले, ये अभिमन्यु सिंह थे, इनका ओपिनियन था कि जानवरों को कैद करके रखना ये कहीं से अच्छा नहीं है, इस ओपिनियन को कैद मतलब नहीं करना चाहिए, हले ही कितना भी सुविधा दे दे लेकिन किसी को कैद करके कितने रखा जा सकता है, तो ये उनका ओपिनियन था। तो फाइनली हम लोग देखें नज़दीक से कि ये जू का क्या सिचुएशन है, अगर आप बिहार आते हैं तो एक बार आपको जू आना चाहिए और जो आप हर तरीके के जानवर से नहीं मिल सकते थे तो इसके बारे में आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों बस ये था और बाकी का जू का हम आपको और पार्ट दिखाने वाले हैं, तो देखिए तो आगे का और वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।